पहले के ज़माने में जब लोग अनपढ़ थे ना, तो परिवार एक था। और मैंने अक्सर आज देखा है शहरों में बहुत सारे परिवार को टूटते हुए, क्योंकि लोग अपने आप को क्या बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा आप सभी को कि कल यानी आज छोड़कर कल से जो है आप सभी का हर एक क्लास मतलब रात को 11:30 वाले क्लास का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि भैया कम से कम ये क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने शेड्यूल लगा दिया है, कल से ये क्लास आप सभी को मिलेगा 11:30 रेगुलर बेसिस पर। साथ साथ ये 4:30 वाला जो क्लास है ये तो आप सभी को मिलता ही मिलता है। प्लस कल से ही आपको ट्रिगो का वीडियो भी मिलेगा पार्ट बाई पार्ट। किसका? त्रिकोणमिति का। तो याद रखिएगा आज 17 है 18 तारीख से, और मैं आप सभी को ना नस नस में त्रिकोणमिति जो है वो आपको सिखा दूंगा, इतना तो आप विश्वास कर ही सकते हो। तो याद रखिएगा कल से 2 क्लास जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता हर एक क्लास जो है वो आपका चालू हो जाएगा। तो ये क्लास आपको 11:30 मिलेगा। कल तो मिलते हैं आप सभी से लाइव क्लास में 11:30। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रेलवे का, SSC का या फिर बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो। वहाँ से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल तक आने वाले हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप सभी अपने आप को जज कर पाओ। और आज कवर करेंगे हम सभी 17 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने आज का क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, किस राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी फंडिंग जो है वो रोक दी है। बहुत चर्चित क्वेश्चन आज के डेट में। आप सभी को पता है WHO इसके एडमिनिस्ट्रेटर, इसके हेड कौन है? तो ये सभी को पता चल गया होगा आज के डेट में कि टेड्रोस एधोनोम जो इसके हेड है। और बहुत देश का ऐसा मानना है कि जो WHO है वो चाइना की भाषा बोल रहा है, यानी जो चीन करवाना चाह रहा है वही बात बोल रहा है WHO। बहुत सारा डाटा छुपा आ रहा है, जैसे जैसे चीन बोल रहा है वैसे वैसे WHO काम कर रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसीलिए इसको नाम दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेकिन ऐसा आज के डेट में ये काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसके वजह से क्या हुआ है, आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो COVID-19 का सबसे ज़्यादा प्रकोप अगर किसी देश पर है तो वो देश कौन सा है? अमेरिका। और अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है WHO को। उन्होंने क्या किया है कि अपना फंडिंग जो है WHO को जो है वो पूरी तरह से रोक दिया है। और अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं, मान लो अगर आप WHO के पास 100 रुपया है ना, तो हर एक देश जो है वो फंडिंग करता है WHO को 100 रुपये में, मानकर चलो 15 रुपये अकेला जो है वो अमेरिका देता है। तो अब ये फंडिंग जो है वो नहीं देगा, क्योंकि आप सभी को पता है अमेरिका और चाइना जो है आज के डेट में क्या कट्टर दुश्मन है। और अभी आप देख रहे होंगे जो बीमारी निकला है वो, हालांकि आप सभी को पता है वुहान सिटी चाइना से निकला हुआ है, और अमेरिका को अभी बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। तो गुस्से में क्या है, उन्होंने फंडिंग रोक दी है WHO का। तो याद रखिएगा किसने फंडिंग जो है वो रोक दिया है WHO का, तो वो देश है आपका अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राष्ट्र 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नवंबर से दिसंबर के महीने में होने वाला है यह प्रतियोगिता, और यह भारत जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। लेकिन जैसे अभी COVID-19 का प्रकोप है, अभी यह कैंसिल नहीं किया गया है। कैंसिल का मतलब पोस्टपोन नहीं किया गया है। जैसे ही पोस्टपोन होगा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। तो आप ये मानकर चलो कि नवंबर से दिसंबर के महीने में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, वो होने वाला है आपका भारत में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपना गांठ बांध लेना। 1920 के दशक में निम्नलिखित में से कौन सा महामारी में से था, आपको बताना है। आप सभी को पता है ना बहुत दिन के बाद एक पैंडेमिक, एक महामारी बीमारी जो है वो अभी आया है, जिसको नाम दिया गया है COVID-19। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1920 में एक ऐसा ही महामारी जो है वो फैला था पूरे विश्व भर में,
और जब सबसे पहला जो केस रिपोर्ट किया गया था ना वो यूरोप में किया गया था, उसके बाद हर एक जगह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कर फैल गया और इतना बुरी तरह से फैल गया कि उस बीमारी के वजह से 50 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब 50 मिलियन को थोड़ा मैं अगर समझाऊं और रूपी में डाटा में भारत के लैंग्वेज में, तो आप ये समझ लो 5 करोड़ लोग जो है उनकी मृत्यु हुई थी उस महामारी के वजह से जो 1920 के दशक में फैला था। अब उस बीमारी का नाम आप याद रखना कौन सा था, तो वो था आपका स्पेनिश फ्लू, ऑप्शन नंबर आपका ए। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो याद रखना है 1920 में एक पैंडेमिक एक महामारी फैला था जिसका नाम क्या था, स्पेनिश फ्लू। उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो 50 मिलियन। अगर डाटा में पूछ दे नॉर्मल हमारे लैंग्वेज में तो 5 करोड़ ठीक है लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भविष्यवाणी की है कि 2020 में भारत के लिए विकास दर कितना रहने वाला है। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी जो है एक भविष्यवाणी की है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो भारत का विकास दर रहने वाला है वो 1.5 से 2.8 के बीच में रहेगा, जो बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। और वर्ल्ड बैंक के बाद अभी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी जो है वो डाटा आ चुका है। तो उनके द्वारा भारत के लिए भविष्यवाणी कितना किया गया है विकास दर का, तो उनके द्वारा किया गया है 1.9% का, ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर यह बताना है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड का नाम क्या है, इनके हेड कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, यानी कार्यालय मुख्यालय बोल सकते हो। और दूसरा तीसरा चीज, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो ये तीन चीज आपको IMF के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। डेली सुबह में 4:30 बजे मैं आपको क्लास देता हूं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उससे आप जो है वो अप टू डेट रहे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, किसने COVID-19 नमूना संग्रह नाम क्या दिया गया है, क्योसेक विकसित किया है, और यह विकसित किया गया है आपका DRDO के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या है भैया, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको पता है ना जो COVID-19 फैला हुआ है महामारी, इसमें क्या है डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, आप सभी को पता है कुछ डॉक्टर की तो मृत्यु भी हो गई है भारत में, बाहर तो हो ही रहा है इंडिया में भी हो गए हैं। तो अब एक ऐसा टेस्टिंग सैंपल बनाया गया है जिससे क्या होगा, आपके लिए मैंने फोटो भी लगा दिया, देखो यहां पर जो है वो मरीज है, टेस्टिंग हो रहा है। अब डॉक्टर जो है जितने भी पेशेंट है या जितने भी टेस्टिंग हो रही है उनको टच भी नहीं करेंगे, बिना टच किए हुए अगर इस मशीन के पास सैंपल जो किट है इसके पास अगर आप खड़े होते हैं तो बिना टच किए डॉक्टर आपका पूरा का पूरा सैंपल ले लेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है, इससे क्या है जो फ्रंट लाइन वॉरियर है जो आगे बढ़कर हमारा रक्षा कर रहे हैं आज के डेट में कौन, डॉक्टर, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत है, ठीक है। तो वो भी क्या है बिना डर के इलाज आज के डेट में कर पाएंगे हम सभी का। तो याद रखिएगा ये जो सैंपल कलेक्शन किट है ना जिसको नाम दिया गया आपका क्योसेक, ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, और DRDO के डायरेक्टर कौन है तो वो भी याद रखिएगा, अविनाश चैंडर डायरेक्टर जनरल है, और चेयरमैन कौन है DRDO का, जी सतीश रेड्डी। और DRDO का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1958 में, और DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है तो आप क्या बोलेंगे, नई दिल्ली में। क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया ना, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, COVID-19 नमूनों का पुल परीक्षण शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। अब ये भैया पुल परीक्षण क्या है भैया, थोड़ा ये भी समझा दो, इसमें क्या है आप सभी को पता है COVID-19 का जब भी सैंपल टेस्ट किया जाता है, जब भी टेस्टिंग किया जाता है तो एक टेस्टिंग होता है, इसमें कम से कम 3-4 टेस्ट होते हैं। अब ये एक ऐसा परीक्षण है, एक ऐसा टेस्टिंग है जिसके अंदर क्या होगा, हर एक टेस्ट जितने भी टेस्ट है उसको एक बार में कर लिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक तो सैंपल को टेस्ट करने में टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि एक ऐसा महामारी फैल चुका है ना जहां पर टाइम का बहुत कीमत है, ठीक है। तो एक ऐसा पूल परीक्षण स्टार्ट किया गया है जहां पर हर एक टेस्टिंग को एक बार में कर लिया जाएगा, और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, आनंदीबेन पटेल, कैपिटल तो आप बोलेंगे लखनऊ जो सभी को पता है, और यहां के
राज्यपाल बोल रहा हूं, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस प्रसिद्ध गोल्फर का निधन हो गया है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे फेयरवेस के पिकॉक के रूप में भी जाना जाता है, जिसे फेयरवेस के पिकॉक यानी पिकॉक ऑफ द फेयरवेस के रूप में भी जाना जाता है, उनका नाम क्या है उस गोल्फर खिलाड़ी का? तो उनका नाम है आपका डॉग सैंडर्स, ऑप्शन नंबर डी। और ये कहां के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के। आपको पता है ना 6 लाख से ज्यादा केस संक्रमित पॉजिटिव पाया गया है अमेरिका में, जो बहुत बड़ी बात है। और जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी के, जितने बड़े बड़े लोगों का मृत्यु हो रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी COVID-19 से क्वेश्चन बन रहा है तो उसको थोड़ा आप अच्छे से देखना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अशोक देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह पूर्व भारत के क्या थे, ये आपको बताना है। तो अशोक देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है ना, वो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, आपको यह बताना है। Who among the following has been appointed as a officer on special duty in the Union Bank of India? और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका जे पैक्रिसेमी, ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश के मौजूदा लॉकडाउन के दौरान किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपए के साथ लगभग 7.4 मिलियन बैंक खाता धारकों को क्रेडिट करने का फैसला किया है? यानी वो कौन सा राज्य है जहां पर 7.4 मिलियन बैंक खाते, अगर मैं इसको डाटा में बताऊं तो आप सभी को पता है 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। अगर 7.4 को बदला जाए यानी 74 लाख, 74 लाख बैंक धारकों को 1500 रुपए कर दिए जाएंगे सहायता के रूप में, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर आपका बी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राजधानी की बात करूं तो सभी को पता है हैदराबाद। और राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, नहीं ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 17 अप्रैल का, इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल से डेट याद रखना, आपका क्लास जो है वो चलने वाला है। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और ज़्यादा नहीं, कल आपसे मिलेंगे लाइव क्लास में, रात को 11:30 बजे वाले क्लास में। सो अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का कम से कम ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।